हम लोगों के एपी का क्वेश्चन है फाइंड 31st टर्म 31st टर्म ऑफ एपी हूज 11th टर्म इज 38 एंड 17th टर्म इज 73। तो हमको क्या पता करना है, 31वां टर्म जो है उसको पता करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेंगे। क्या दिया गया है, 11th टर्म, ए 11 दिया गया है, कितना है 38, और क्या दिया गया है ए 16 दिया गया है 73। ठीक है, अब इनसे हमको क्या निकालना है, हमको फाइंड क्या करना है। अगर हमको ए पता चल जाए, क्या पता चल जाए, ए पता चल जाए और डी पता चल जाए, तो क्या हो जाएगा, हम इसका कौन सा टर्म, 31वां टर्म निकाल लेंगे। ठीक है, तो अब क्या करें, इसको ए 11 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 11 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 38। ठीक है, और इसको 16 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 16 माइनस 1 डी इज इक्वल टू 73। एनवे टर्म का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही फार्मूले से ये चीज आ रही है। ठीक है, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38 इक्वेशन नंबर 1, और ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73 इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, ये दो इक्वेशन मिल गए, दो चीजें हमको पता करनी, ए और डी, दो इक्वेशन है, तो हम यहाँ से ए डी निकाल लेंगे। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 2 क्या है, ए प्लस 15 डी इज इक्वल टू 73, ए प्लस 10 डी इज इक्वल टू 38। माइनस करिए, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस, ये प्लस माइनस कट गया, और ये 15 डी से 10 डी जाएगा तो ये 5 डी आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, कैरी करेंगे 13 में से 8 गया 5 बचा, और यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3 बचा, 5 7 35, डी इज इक्वल टू कितना आ गया, डी इज इक्वल टू आ गया 7। अब डी 7 आ गया, डी कहीं पर भी पुट कर देते हैं, डी यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ए की वैल्यू निकल आएगी, ए प्लस 15 इंटू 7 इज इक्वल टू 73। तो a प्लस 7 5 तो 35 का 5 करिए, 3 7 1 तो 7 और 3 10 इज इक्वल टू 73। a प्लस a इज इक्वल टू 73 माइनस 105। अब ये माइनस करना है तो क्या करेंगे, माइनस साइन कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 105 माइनस 73। ठीक है, अब ये 5 में से 3 गया तो 2 बचा, और 10 में से 7 गया तो क्या बचा, 3 माइनस का 32, a इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का 32। ये चीज आ गई, दो चीज मिल गई हम लोगों को। अब हमको क्या निकालना है, इससे कौन सा टर्म, a 31 निकालना है, a 31 इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 31 माइनस 1 डी, ये हो जाएगा a प्लस 30 डी। ठीक है, ए कितना है, माइनस 32 प्लस 30 इंटू डी कितना है 7 इज इक्वल टू माइनस 32 प्लस 7 जीरो जा 0 7 3 जा 21। ठीक है, तो 210 से 32 माइनस करना है, 0 से 2 माइनस होने हो सकता है, एक क्या किया 12 किया 10 हो गया, 10 में से 2 गया 8 बचा, अब यहां पर 0 तो एक और 12 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर बचा 178। इसका जो A31वां टर्म जो होगा वो कितना होगा, 178 होगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं अपना, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ 7th टर्म ऑफ एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड डी। जो 7वां टर्म है वो क्या कर रहा है, एक्सीड कर रहा है इट्स 10th टर्म बाय 7, तो ए 7 जो है वो बराबर है किसके, 10th, ए 10 प्लस 7, वो 10वें टर्म से 7 ज्यादा हो रहा है, तो ए 7 और हमको डी पता करना है, ए 7 माइनस ए 10 इज इक्वल टू 7। अब ए 7 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 6 डी,
एन माइनस वन करेंगे ना, एन माइनस वन तो सेवन माइनस वन तो ये सिक्स आ जाएगा, और माइनस ए प्लस टेन माइनस वन करेंगे तो ये नाइन डी आ जाएगा इज इक्वल टू सेवन, ब्रैकेट खोल देंगे, ए प्लस सिक्स डी। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड वाले का सॉल्यूशन है, सिक्स डी माइनस ए माइनस नाइन डी इज इक्वल टू सेवन, ए से ए कट गया, सिक्स डी और ये सिक्स डी था, ये माइनस का नाइन डी, सिक्स डी माइनस नाइन डी तो ये आएगा माइनस का थ्री डी इज इक्वल टू सेवन, तो डी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस सेवन अपॉन थ्री। ये सॉल्यूशन हो गया आपका।